गोकू, पूरे शहर को खत्म कर दो। ओए चल ठीक है, अब मैंने गोकू को भी अपने बस में कर लिया, अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ओए पूरे शहर में कुछ नहीं छोड़ूंगा, तबाही मचा डालूंगा। आपने गाना क्यों बंद किया? क्योंकि सिंचन में अब न्यूज देखने वाला हूँ, तो अब चुप हो जाओ। सिंचन ये गोकू टीवी पे क्या कर रहा है? अरे हाँ मसाओ, लेकिन ये हमारे शहर को तबाह क्यों कर रहा है? क्योंकि ये तो अच्छाई के साथ है ना। मुझे लगता है कि हमें इसकी पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। वैसे मुंह पे चिल्लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब हम जाने वाले हैं रामदेव बाबा के पास, वो हमें इसकी पूरी जानकारी देंगे। सिंचन एक काम करते हैं कि अपन मसाओ को यहीं पे छोड़ जाते, वैसे भी पूरे टाइम रोता ही रहता है। अरे सिंचन देखो क्या बोल रहे हैं। मसाओ तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? अरे तुम लोगों का कुछ भरोसा नहीं लगता। ऐसी बातें करते करते हम पहुँच जाते हैं रामदेव बाबा के पास। धूम चले धूम चले धूम चले। अरे तुमने तो मेरा को डरा दिया। ओ बाबा जी बाबा। हे भैया ये क्या गाना था? ओए वो ये गाना नहीं, ये तो बाबा जी को बुलाने का तरीका था, पर ये कौन आ गया? देखो अगर तुम बाबा जी को ढूंढ रहे हो तो बाबा जी बीच रास्ते पे वॉक कर रहे हैं, तो वो वहीं मिल जाएंगे। पता ही नहीं है बाबा जी क्या करते रहते हैं, लेकिन शुक्रिया मैं उनको ढूंढने जा रहा हूँ। चलो भाई जल्दी से बाबा जी को ढूंढ के पता करते गोकू का रहस्य। भैया बाबा जी कहाँ पर है? सोन बटुआ ऐसा मत घुमा करे, कहाँ घूम रहा है? बाबा जी मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था, पता नहीं तुम कहाँ घूमते रहते हो, ये टाइम कोई वॉक करने का है? जल्दी से काम बता दे, ज्यादा हीरो बनेगा तो तारीफ कर दूंगा अचका अचका। बाबा जी मुझे समझने नहीं आ रहा कि ये गोकू हमारे शहर को तबाह क्यों करना चाहता है। गोकू को किसी बुरी ताकत ने भगवा कर लिया है और अब सिर्फ हमको नरूटो बचा सकता है। नरूटो तो मेरा फेवरेट है। इचका इचका चल निकल ले। बाबा जी मेरे लिए इतनी जानकारी बहुत है और अब मैं गोकू को रोकने के लिए जा रहा हूँ। जल्दी से भैया गाड़ी पे बैठो और मुझे भी नरूटो से मिलवा दो। उसके बाद मैंने मसाओ और बो को बाबा जी के पास छोड़ के मैं चला गया नरूटो को जिंदा करने। लेकिन जैसे ये बात गोकू को पता चली, गोकू ने मेरे पीछे लगा दी 1000 लोगों की पुलिस। लेकिन मुझे अपना गोकू वापस चाहिए था, इसीलिए मैंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और मैं गाड़ी पे दोबारा बैठ के चल पड़ा। जल्दी से चलो भैया, हमारे पीछे तो पुलिस पड़ी है। गाइस अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने घर की तरफ क्यों जा रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि नरूटो ने मुझे एक ड्राम सा दिया था, अगर मैं इसको फोड़ता हूं तो नरूटो मेरे यहां पे आ जाएगा, क्योंकि ये नरूटो ने मुझसे वादा किया है। चलो गाइस फिर हम अपने घर की तरफ चलते और जल्दी से उसको लेकर आते। ओए मसाओ और बो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आला भैया हमको वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ भैया। उसके बाद मैंने नरूटो को बुलाने का पूरा इंतजाम कर लिया और अब हम बुलाने वाले नरूटो को। अरे ये नरूटो आया क्यों नहीं? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जी जी फोन नरूटो। गोकू डर गए क्या मेरे सामने आने से? ओए क्या बोला है? डर? ओए ये क्या कर रहा है? ये कोई अटैक तो नहीं है, मुझे लगता है तूने हार दिया। लेकिन गोकू इस अटैक से तुम बुराई के जाल से निकल आए। ओए चल ठीक है भाई, चलो मैं भी चलता हूँ। तो हमारे नरूटो ने आखिरकार गोकू को बचा लिया।